हेलो एवरीवन, दिस इज़ किशन चौड़ाई वंस अगेन। और आज आप लोगों के सामने दोबारा लेके आया हूँ 14 दिसंबर 2020 की असम ट्रिब्यून एनालिसिस। आइए आज के पहला न्यूज़ एनालिसिस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटी। ओके, असम पॉलिटी के रिलेटेड है। एंड जैसे कुछ दिन से लगातार असम ट्रिब्यून में ये न्यूज़ निकल के आ रहा है कि रिलेटेड टू द पोल इन BTC, तो यहाँ पर आज लिखा गया है, बताया गया है इनफैक्ट दैट इज़ प्रमोद बोरो ऑल सेट टू बिकम BTC चीफ। तो जैसे प्रीवियस न्यूज़ में आप लोग ने देखे होंगे कि अलायंस के बारे में बात किया है, एक तरीके की कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म किए हैं। और यहाँ पर जो एक समय से जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में था, तो काफ़ी लंबा समय के रूल के बाद या फिर पावर होने के बाद, एंड दिस टाइम देयर इज़ अ चेंज, जिसमें UPPL के बारे में बात करते हैं, देन दैट हैज़ मेड एन अलायंस विद BJP एंड GSP, जिसे हम गणा सुरक्षा पार्टी भी कहते हैं। अब जो पहले इतने सालों से जो रूल कर रहा था, जो पावर में था, इट वॉज BPF, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, जिसके नाम से हम लोग जानते हैं। एंड जैसे आपको पता है कि यहाँ पर 40 सीटों में इलेक्शन हुआ था। ओके, एंड जिसमें से UPPL ने 12 सीट जीते थे। 12 सीट जीतने के बाद उन्होंने BJP और GSP के साथ अलायंस करके, एंड देन इट हैज़ फॉर्म द मैक्सिमम सीट। तो जिस कारण से प्रमोद बोरो जो है इज़ गोइंग टू बी द न्यू चीफ ऑफ द BTC, राइट? सो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं इंडियन एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो सबसे बड़ी और खूबसूरत चीज़ क्या है कि यहाँ पर एक ही पार्टी की रूल फॉर लंबा समय तक नहीं देखते हैं, एंड देन जैसे चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एंड ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री में भी जो अपोजिशन पार्टीज़ का भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो अगर गवर्नमेंट चेंजेस होता है ना, तो जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आता है, तो दे वांट एंड देन दे गिव्स द बेस्ट एज दे कुड, तो जो एक्चुअली फ़ायदा होता है फॉर द पीपल। और दूसरी बात जो आज के न्यूज़ एनालिसिस में है, दैट इज़ अबाउट 2001 पार्लियामेंट अटैक। तो हेडिंग में बताया गया कि इंडिया विल नेवर फॉरगेट पार्लियामेंट अटैक, तो विच हैज बीन सेड एड्रेस बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ट्रिब्यूट्स पे किया गया है, बताया गया है, टू द सिक्योरिटी पर्सनल जिन्होंने अपनी लाइफ की बलिदान दिए 2001 पार्लियामेंट अटैक में। तो अक्सर हम लोग काफ़ी लंबा समय से था, तो फिर भी आज प्राइम मिनिस्टर ने ये बात निकाल के दोबारा 2001 में हम लोग को वापस लेके गए। और इस कारण से मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत एक तरीके की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा ऑफ दैट अटैक। तो 2001 में इंडियन पार्लियामेंट अटैक हुआ था, जो एक्चुअली एक टेररिस्ट अटैक था, जो न्यू दिल्ली पर हुआ था ऑन 13 दिसंबर 2001। तो इस अटैक के जो परपिट्रेटर्स थे, दे बिलोंग टू लश्कर ई तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद, एक्चुअली जो दो पाकिस्तान रेस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे। आइए अभी हम लोग एडिटोरियल पेज का बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट लेके आज न्यूज़पेपर में दिया गया, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ फार्म बिल्स ऑन असम। देखिए, न्यूज़ में काफ़ी लंबा समय से एक तरफ तो मूवमेंट चल रहा है फार्मर्स के द्वारा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बिसाइड्स दैट कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पर ऑलरेडी एनफोर्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो तीन बिल्स के बारे में जो बात है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो तीन बिल्स एक्चुअली क्या है। दैट इज़ द पहला जो बिल बताया गया, दैट इज़ द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। दूसरी जो बिल है, इट इज़ द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड सर्विसेज बिल 2020। और एक था अमेंडमेंट किया गया था, जो काफ़ी बहुत पहले से ही था, बट इस बार इसे एसेंशियल कम्युनिटीज अमेंडमेंट बिल के तौर पर बताया गया है 2020। अब इम्पैक्ट ऑफ फार्म बिल्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आसाम के लिए इनकी इम्पैक्ट के बारे में बात यहाँ पर करते हैं। तो 2020 की बात है, ये एक तरीके की एक अनप्रेसिडेंटेड ईयर रहा है,
एंड एन विशियसली माउंटिंग अकाउंट ऑफ कोरोना वायरस केसेस, और साथ में देयर इज अ कंसिक्वेंस सेटबैक ऑफ टू द इकोनॉमी, और इनके बाद नाउ वी हैव दिस थ्री फार्म बिल्स एंड देन ये फार्म बिल्स लेके दिस इज द मेन कॉज ऑफ नेशन वाइड फार्मर्स प्रोटेस्ट टूडे। जैसे मैंने पहले बताया कि फार्मर प्रोटेस्ट काफ़ी लंबा समय से हो रहा है, एंड देन जो फार्म बिल्स एक तरीके की एसेंस है ऑफ व्हाट, रिफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, राइट। कुछ ऐसे स्टेट्स में लाइक इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ केरला, मणिपुर एंड बिहार, एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है इज नाउ रेगुलेटेड थ्रू द स्टेट्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, जिसे हम इन शॉर्ट APMC कहते हैं। एंड इन आसाम द स्पेसिफिक जो APMC है, जो APMC लॉ है इन क्वेश्चन इन द आसाम एग्रीकल्चर प्रोसीड्यूर, आसाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1972 में, और अंडर द पावर्स ऑफ विच द गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश 20 प्रिंसिपल मार्केट यार्ड्स। आप लोग ये नोट डाउन जरूर कीजिएगा, कितना, 20 प्रिंसिपल मार्केट यार्ड्स, जिसे हम इन शॉर्ट PMY कहते हैं, और 206 सब मार्केट यार्ड्स, जिसे हम इन शॉर्ट SMY कहते हैं। अब ये दोनों जो है, दिस PMY एंड SMYs आर एसेंशियली होलसेल मार्केट्स, which is supervised by one of the 24 regulated market committees in the state। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये एक तरीके की essential wholesale markets हैं, and then इसे supervised by one of the 24 regulated market committees in the state, जहाँ पर sales ideally take place by closed tender or open auction methods by licensed market functionaries upon the payment of market fees, cess and other levies। और जैसे आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, बात है अभी, इट वुड बी एंटायरली अप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिटरमाइन वेदर ये जो सर्कमस्टेंसेस है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनफ है टू रिक्वायर गवर्नमेंट रेगुलेशन। ओके, फॉर अ स्टेट लाइक असम वेयर देयर इज फ्रीक्वेंट फेल्ड हार्वेस्ट, फार्मर्स मिजरी एंड रैम्पेंट हंगर एंड मेलन्यूट्रिशन एग्रेवेटेड बाय रिकरिंग फ्लड्स, दिस इज वॉरिंग। देखिए फार्म बिल्स जो भी लास्ट न्यूज़ में हम लोग ने देखे, लास्ट डे न्यूज़ में जो हम लोग ने बात किया कि सरकार ने ये दावा कह रहा है कि दिस इज इन ऑर्डर टू रिमूव दोज प्रॉब्लम्स, दोज मिजरी विच द फार्मर्स फेसेस, एंड देन दिस न्यू बिल एक्चुअली एंश्योर्स द डेवलपमेंट, द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन फार्मर्स। लेकिन असम में ये बात है कि असम काफ़ी, यू नो, एवरी ईयर वी सी नंबर ऑफ नेचुरल हैजर्स, डिजास्टर्स, जो एक फार्मर के ज़िंदगी में देखें कि काफ़ी प्रॉब्लम्स देखता है। देन नाउ क्या उम्मीद किया जा सकता है क्या कि इस नया फार्म बिल्स ने कुछ नया चीज़ लेके आएगा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कंडीशन, एंड देन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मिजरी कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। तो इट इज़ ऑल अबाउट द फार्म बिल्स जो असम में इम्प्लीमेंट की बात किया जा रहा है, तो क्या होगा उनके बाद, इम्पैक्ट क्या है। तो इसलिए ये बहुत खूबसूरत है, मैं आपको बता दूँ ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में क्यों है। अब फार्म बिल्स लेके दिस इज़ अ, यू नो, नेशन इश्यूज़ बन गए हैं आज के तारीख में, एंड यहाँ पर मैं आपके साफ तरीके से बता दूँ, एंड हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। आप फार्म बिल्स के बारे में, चाहे वो प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो और इंटरव्यू में हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देखिए प्रीलिम्स के एस्पेक्ट में अगर पूछा जाता है कि जो तीन बिल्स के बाद जो किया है 2020 में, इस साल में जो आए हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड मेंस में किस तरीके ये है, तो ये आप एक तरीके की पॉलिटी वाला सेक्शन है, तो इंडियन पॉलिटी में इस तरीके सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, जिसमें आपकी राय पूछने के लिए बताएंगे, डिस्कस करने के लिए बोलेंगे, या फिर इस चीज़ को जो सरकार ने जो एक फार्मर्स के कंडीशन को बेहतर करने के लिए जो एक स्टेप, ठीक है, एक इनिशिएटिव जो उन्होंने लिए हैं, क्या कितने हद तक इट हैज़ फुलफिल्ड, तो इन इस चीज़ के बारे में सवाल आ सकता है। तो एनीथिंग दैट इज रेड फार्म बिल इज इम्पॉर्टेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ APSC एग्जाम। एंड नाउ आइए अभी हम लोग देखते हैं कि रिलेट, एंड ये जो सेक्शन जो आप भी बात करने वाले और डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू असम कल्चर। एंड असम कल्चर अक्सर आज के कोई भी एग्जाम में ये
बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है फ्रॉम द साइट ऑफ एन एग्जामिनर। तो ये यहाँ पर जानना है कि, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट जरूर है, देखिए कल्चर ऐसा है कि आप एग्जाम पास कर लेते हैं, बड़ा बड़ा एग्जाम आप पास कर लेते हैं, बट यू डोंट नो मच थिंग ऑफ योर ओन कल्चर। तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर एग्जामिनर्स स्ट्रेस करते हैं इन कल्चर के बारे में, ताकि स्टूडेंट जाके पढ़े एंड अपने ही कल्चर के बारे में उनको ज्ञान हो, राइट। तो नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, दैट बताया जाता है कि डिस्कशन ऑन ग्रोथ ऑफ मॉडर्न असमिस लिटरेचर हेल्ड किया गया है। अब ये जो न्यूज़ है वो गुवाहाटी सिटी के हैं। तो बताया जाता है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न असमिस लिटरेचर है, डेटिंग बैक टू द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी विद द अमेरिकन मिशनरीज टेकिंग द लीड टू रेस्क्यू द असमिस लैंग्वेज फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द बंगाली लैंग्वेज वॉज डिस्कस एट अ फंक्शन हेल्ड एट गुवाहाटी प्रेस क्लब टूडे। अब यहाँ पर देखा जाते हैं कि बीच में जब ब्रिटिश रूल आया था आफ्टर 1826 ट्रीटी ऑफ यांडगो, जब यहाँ से बर्मीज को हटाया गया था एंड देन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया गया था, एट दैट वेरी बिगिनिंग बंगाली लैंग्वेज जो है वो एक्चुअली एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे बनाया गया था इन ऑर्डर टू फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन असम। एंड तुरंत उसके बाद से लंबा समय तक यहाँ पर भाषा आंदोलन भी हुआ था, ठीक है। एंड वही वाला बात लेके काफ़ी लंबा समय भाषा आंदोलन के बाद एक बिल पास हुआ था अक्टूबर 24, 1960 में, जो एक्चुअली इट इंक्लूडेड द सेफ गार्ड्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एज वेल। दस इन 1960 जो असम ऑफिशियल लैंग्वेज बिल वॉज पास एंड असमीज वॉज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। अब जो मैंने बताया वो वाला जो पॉइंट है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और आगे में यहाँ पर बताया जाता है कि जो फंक्शन जो ऑर्गेनाइज किया गया था, दैट वॉज ऑर्गेनाइज बाय बाखुना हाहित्य गोष्ठी, जो एक लिटरेरी एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड टू मार्क द रिलीज ऑफ अ पोएट्री बुक टाइटल रुनु देवी सरमार निर्भसिता कोबिता। तो ये याद रखिएगा कि एक बुक टाइटल भी किया गया था, एक पोएट्री बुक रिलीज किया गया था जिसका टाइटल रहा रुनु देवी सरमार निर्भसिता कोबिता। एंड देन दिस इज ऑल अबाउट जो आपको बताया गया है, देन ये एक ऐसे पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू कल्चर। तो प्लीज डोंट मिस दिस, कल्चर पे फोकस कीजिएगा। एंड यू नो दैट जैसे APSC में 30% ऑफ क्वेश्चंस विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड कल्चर, दैट इज असम हिस्ट्री एंड कल्चर। एंड फोकस किस में ज़्यादा होना चाहिए? कल्चर, राइट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट्स नाउ द जहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर रिव्यू किए हैं प्रोग्रेस ऑफ स्कीम्स अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस। एंड जैसे 3-4 दिन से मैंने तो एनालाइज जब भी करता हूँ तो कम इकोनॉमी और जो बिजनेस जो सेक्शन है वो उससे जरूर कवर करते हैं, एंड देन दैट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर जो फिनांस मिनिस्टर है हमारा, शी हैड टुक स्टॉक ऑफ प्रोग्रेस मेड अंडर वेरियस स्कीम्स अंडर 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस, जो एक्चुअली रिवाइव दैट एक्चुअली हेल्प करेगा टू रिवाइव द इकोनॉमी हिट हार्ड, दैट इज ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ COVID-19 पैंडमिक। अब यहाँ पर जो फॉलोइंग अनाउंसमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर, फिर अपना फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड द डिटेल्स ऑफ ₹20.97 लाख करोड़, देर इज आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस जो 1.0 के नाम से, इन अ सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो May 13 से लेकर 17 तक किया। एंड देन इट वॉज फॉलोड बाई आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस दैट इज 2.0, वो जो जो आत्मनिर्भर पैकेजेस 2.0 जो है वो अक्टूबर 12 और थर्ड जो है दैट इज अ ट्रेंड्स ऑन नवंबर 12। अब एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 नाउ दैट वॉज अनाउंस ऑन नवंबर 12, इसमें बताया गया है कि ECLGS जिसे हम द एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम कहते हैं, दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड थ्रू ECLGS 2.0 फॉर 26 स्ट्रेस सेक्टर्स एंड हेल्थ केयर सेक्टर। यहाँ पर देखिएगा, अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग, कॉपी में लिख सकते हैं। एंड दैट हैज स्ट्रेस दैट इज इन 2.0 कितना 26 स्ट्रेस सेक्टर्स एंड हेल्थ सेक्टर में विद क्रेडिट आउटस्टैंडिंग ऑफ अबव कितना ₹50 करोड़ अप टू ₹500 करोड़ एज ऑन February 29, 2020, राइट। अब क्या है कि ECLGS के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ
कि अक्सर आप न्यूज़ जब भी पढ़ते हैं ECLGS के बारे में बताते हैं, तो ये एक तरीके की स्कीम है दैट वॉज अनवील्ड एज अ पार्ट ऑफ ₹20 लाख करोड़ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज एंड इट वॉज अनाउंस बाय द फिनांस मिनिस्टर ऑन 13 मई 2020 एक्चुअली टू 8 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिसे हम शॉर्ट MSMEs कहते हैं सेक्टर इन व्यू ऑफ द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस कॉज बाई COVID-19 पैंडमिक। तो अक्सर जो है ये ECLGS जो स्कीम ही बना है ताकि जो आउटब्रेक हुआ था COVID-19 पैंडमिक में तो उन इकोनॉमी जो लॉसेस हुआ था उन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए उस मकसद से सरकार यहाँ पर क्या है MSMEs को डेवलप करने के लिए खासकर ये सारी जो आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस की बात बताया एंड दैट्स व्हाई इट इज़ इन यूज़। तो आपको सवाल एग्जाम में कैसे आ सकता है, तो COVID-19 में इकोनॉमी के टर्म में वो अफेक्ट हुआ एंड देन व्हाट इज द सर्टेन यू नो स्ट्रैटेजीज या फिर व्हाट इज द सर्टेन मेजर्स एंड स्टेप दैट हैज बीन टेकन बाय द स्टेट और बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उसमें ये एक पॉइंट बनेगा जो आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस की जो बात है, आप ऐसे आंसर वहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, फॉर वीकली मॉक टेस्ट एंड मोर विजिट अवर BIS वेबसाइट गिवन बिलो। थैंक यू, सी यू टुमारो।